नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, को फाउंडर दायडॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नसों के फूलने की परेशानी के बारे में, जिसे डॉक्टरी भाषा में वेरिकोज वेन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नसों की फूलने की जो परेशानी है उसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इन्हें कैसे होने से रोका जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के नसें फूल गई हैं तो इसका घरेलू या डॉक्टरी इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, अन्य बीमारियों के लिए अगर आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर हमसे शेयर करें, हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नसों का फूलना क्या होता है। दोस्तों, नसों को फूलने को डॉक्टरी भाषा में वेरिकोज वेन भी कहा जाता है। ये पैरों में नीले रंग की फूली हुई रस्सी जैसी दिखती है। उसके अलावा ये नीले रंग की नसें टेढ़ी मेढ़ी और मकड़ी के जाल जैसी भी दिखने लगती हैं, इसीलिए इन्हें कभी कभी स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये वेरिकोज वेन या नसों के फूलने का कारण क्या होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में दिल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। यह ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद दिल में वापस लौट कर आ जाता है, ऑक्सीजन से दोबारा लोड होने के लिए। इस ब्लड को हमारे शरीर में दिल में भेजने का काम पैरों की नसें करती हैं। दोस्तों, होता है कि पैर की ये नसें चारों तरफ से मांसपेशियों से घिरी हुई होती हैं। ये मांसपेशियां इन नसों के लिए एक पंप का काम करती हैं। जैसे जैसे ये मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या नसों पर जोर लगाती हैं तो उनमें जो खून होता है वो दिल की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, इन नसों में खासियत ये होती है कि इन नसों में एक वन वे वॉल्व होता है, जो कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी मदद से जो खून दिल की तरफ फेंका गया है वो वापस नीचे नहीं आ पाता। दोस्तों, इन वॉल का खराब होना ही नसों के फूलने या वेरिकोज वेन का कारण बनता है। दोस्तों, होता यह है कि इन वॉल्स के खराब हो जाने की वजह से जो खून ऊपर दिल की तरफ फेंका गया है वो वापस नीचे आने लगता है और नसों में इकट्ठा होने लगता है। इस खून के इकट्ठे हो जाने की वजह से नसों के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, ये नसें फूलने लगती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दोस्तों, अब इस चीज़ को समझने के बाद वेरिकोज वेन या नसों के फूलने के कारणों को समझना हमें आसान हो जाता है। जब किसी भी कारण से पेट या पैरों में बहुत ज़्यादा दबाव या प्रेशर पड़ता है तो जो नसों में खून है वो दिल की तरफ नहीं जा पाता और वह नसों में इकट्ठा होने लगता है और नसों के फूलने का या वेरिकोज वेन का कारण बनने लगता है। ये कारण है जैसे कि प्रेगनेंसी, मोटापा या ओबेसिटी, या बहुत लंबे समय तक कब्ज रहना, पेट में कोई गांठ होना, पैर में कोई चोट लगना जिसके कारण नसों के वॉल खराब हो गए हों, ऐसा काम करना जिसमें व्यक्ति को बहुत लंबे समय के लिए खड़ा रहना पड़ता हो, जैसे कि टीचर्स, सर्जन्स या चौकीदार, या फिर ऐसा काम करना जिसमें व्यक्ति को बहुत लंबे समय के लिए बैठे रहना पड़ता हो, ये सभी कारण जो नसों में ब्लड है उसे दिल की तरफ जाने से रोकते हैं और वह नसों में इकट्ठा होने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा स्मोकिंग या धूम्रपान करना या किसी महिला द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां यानी गर्भ निरोधक गोलियां लेना या कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना, इन सभी कारणों से व्यक्ति के जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, वह नसों में इकट्ठा होने लगता है और वेरिकोज वेन ये नसों के फूलने का कारण बनने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नसों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण वे दिल की तरफ खून को कम फेंक पाती हैं या खून नसों में इकट्ठा होने लगता है और वेरिकोज वेन का कारण बनने लगता है। दोस्तों, यह भी देखा गया है कि किसी परिवार के अगर किसी सदस्य को वेरिकोज वेन या नसों के फूलने की समस्या है तो उस परिवार के अन्य सदस्यों को भी ऐसी समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं वेरिकोज वेन या नसों के फूलने की समस्या के सिम्टम या लक्षणों के बारे में। वेरिकोज वेन में व्यक्ति के पैरों में नीले रंग की फूली हुई टेढ़ी मेढ़ी नसें दिखने लगती हैं। इसके साथ ही पैरों में दर्द रहने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खड़े रहने या बहुत देर तक बैठे रहने पर बढ़ जाता है। इसके साथ ही पैरों में भारीपन होना, जलन होना, एंकल या टखनों में सूजन आना, पैरों में रैशेज आना, नसों के चारों तरफ खुजली होना और पैरों में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा
फूली हुई जो नसें हैं उसके ऊपर जो त्वचा या स्किन है उस पर अल्सर हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं वेरिकोज वेन या इन फूली हुई नसों का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों वैसे इन वेरिकोज वेन या फूली हुई नसों का डायग्नोसिस बड़ी आराम से डॉक्टर कर लेते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके पैरों में फूली टेढ़ी मेढ़ी मकड़ी जैसी नसों को देखते ही डायग्नोसिस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वेरिकोज वेन की बीमारी ही है। उसके अलावा और डायग्नोसिस को पक्का करने के लिए पैरों की सोनोग्राफी या वीनोग्राम नाम के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन वेरिकोज वेन या फूली हुई नसों का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों इन वेरिकोज वेन या फूली हुई नसों का इलाज करने के लिए इलाज का जो पहला तरीका है वो है लाइफस्टाइल में चेंज करना, मतलब अपनी जीवनचर्या में सुधार लाना। दोस्तों इसमें है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में पैरों का मूवमेंट करें, आप वजन कम करें, हाई फाइबर डाइट लें, खाने में नमक की मात्रा को कम कर दें, आपको हाई हील्स या टाइट जीन्स या टाइट अंडरगारमेंट्स या टाइट पैंट्स या जो भी कपड़े जो कमर से टाइट हों उन्हें अवॉइड करना है। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक खड़े रहने की ज़रूरत पड़ती है तो ध्यान रखें आप बीच बीच में बैठकर आराम करें, या फिर अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता हो तो बीच बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें और खड़े हो जाएं और चहलकदमी करें। पूरे दिन में करीबन 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को ऊपर करें। ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको वेरिकोज वेन होने से बचाएंगे और अगर आपके वेरिकोज वेन या नसें फूल गई हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम पहुँचाएंगे। दोस्तों इलाज का दूसरा तरीका है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक तरीके से सॉक्स या मोजे होते हैं जिन्हें पैरों में पहनने के बाद ये जो नसें हैं उनके चारों तरफ मांसपेशियां हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि मांसपेशियां इफेक्टिवली और सही ढंग से खून को दिल की तरफ फेंक सकें और उन्हें नसों में इकट्ठा होने से बचाया जा सके। दोस्तों अच्छी बात यह है ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आपको आराम से किसी भी दवाई की दुकान पर मिल जाएंगे। आपको इनको सुबह उठने के तुरंत बाद पहन लेना है, पूरे दिन पहनकर रखना है और सिर्फ सोते समय ही उतारना है। दोस्तों इलाज का अगला तरीका है कभी कभी नसों में पेन होने पर आपको पेन किलर्स जैसे कि आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन जैसी दवाइयां दी जा सकती हैं। दोस्तों अब अगर ऐसी स्थिति आ गई है जब नसें बहुत ज़्यादा फूल गई हैं, इनके चारों तरफ स्किन में अल्सर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, खून नसों में इकट्ठा होने लगा है तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी करना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों सर्जरी या ऑपरेशन का पहला तरीका है स्क्लेरोथेरेपी। दोस्तों स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक में डॉक्टर फूली हुई नसों में एक केमिकल डाल देते हैं। यह केमिकल इन फूली हुई नसों में खून को धक्का देता है ताकि वो हेल्दी नसों की तरफ चला जाता है। इसके बाद ये नसें खून से खाली हो जाती हैं, चिपक जाती है और चिपकी हुई नसों को आसपास का जो टिश्यू है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों इन फूली हुई नसों को पूरी तरीके से बंद करने के लिए इस स्क्लेरोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट 4 से 6 हफ्तों बाद दोबारा करना पड़ सकता है। स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक में मरीज को बेहोश नहीं किया जाता है। डॉक्टर इस टेक्निक में एक निडल की मदद से केमिकल को नसों में डालते हैं। हालांकि आपको ध्यान ये रखना है इस टेक्निक के होने के बाद भी कुछ समय तक मरीज को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने पड़ते हैं। दोस्तों ऑपरेशन का दूसरा तरीका है माइक्रो स्क्लेरोथेरेपी। इस टेक्निक में भी स्क्लेरोथेरेपी की तरह ही केमिकल नसों में डाला जाता है परंतु छोटी निडल के द्वारा डाला जाता है, इसलिए इसे माइक्रो स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक कहा जाता है। दोस्तों इलाज का अगला तरीका है लेजर थेरेपी। इस थेरेपी में डॉक्टर फूली हुई नसों पर हाई एनर्जी की लाइटों को डालते हैं जिसकी मदद से ये नसें जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और आसपास का टिश्यू उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस लेज़र थेरेपी में किसी भी प्रकार का कट मरीज के पैरों में नहीं लगाया जाता परंतु ये लेज़र थेरेपी केवल छोटी नसों में ही कारगर है। अगर बहुत बड़ी नसें फूल गई हैं तो उसमें यह लेज़र थेरेपी कारगर नहीं होती है। दोस्तों इलाज का अगला तरीका है एंडोवीनस अब्लेशन थेरेपी। इस थेरेपी में डॉक्टर पैरों में एक छोटा सा कट लगाकर फूली हुई नसों में एक ट्यूब को डाल देते हैं। इस ट्यूब की मदद से हाई एनर्जी के शॉट्स नसों में दिए जाते हैं
उस हाई एनर्जी की वजह से ये नसें जल जाती हैं, नष्ट हो जाती है और उसके बाद आसपास का टिश्यू इन खराब नसों को सोख लेता है और मरीज के वेरिकोज वेन ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगली टेक्निक है एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी। इस सर्जरी में पैरों में एक छोटा सा कट लगाकर डॉक्टर फूली हुई नसों में एक ट्यूब को डाल देते हैं। इस ट्यूब के आगे कैमरा लगा हुआ होता है। कैमरे के पास एक और इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है। उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से डॉक्टर इस फूली हुई नसों के एक सिरे को बांध देते हैं, जिसकी मदद से जो खून है वह इन फूली हुई नसों से हेल्दी नसों में चला जाता है और बाद में धीरे धीरे यह नसें नष्ट हो जाती हैं और आसपास का टिश्यू इन्हें सोख लेता है। दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब जो फूली हुई नसें हैं उसके चारों तरफ स्किन में अल्सर हो गए हों या घाव हो गए हों। दोस्तों अगली टेक्निक है फ्लेबेक्टॉमी। फ्लेबेक्टॉमी टेक्निक में डॉक्टर जो फूली हुई नसें हैं वहाँ पर सुन का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद एक छोटा कट लगाने के बाद इंस्ट्रूमेंट की मदद से पूरी उस नस को निकाल कर बाहर कर देते हैं। दोस्तों ऑपरेशन के अगले तरीकों को कहते हैं वेन स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन। ये वेरिकोज वेन के सबसे सीरियस केस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इलाज के इस तरीके में मरीज को बेहोश किया जाता है। इस टेक्निक में डॉक्टर मरीज के पैरों में दो जगह कट लगाते हैं। पहला है ग्रोइन में, जहां पर पेट और पैर आपस में मिलता है। दूसरा कट घुटने पर, एंकल या टखने पर लगाया जाता है। दोस्तों ऊपर वाले कट से नस को बांधा जाता है। उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे टखने तक एक तार डाला जाता है और उसके बाद उस तार की मदद से इस फूली हुई नस को पूरा शरीर से निकाल लिया जाता है। दोस्तों इस तरीके के इलाज में मरीज को रिकवर होने में 4 से 6 हफ्ते का वक्त लग सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें और अन्य बीमारियों के लिए आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर हमसे शेयर करें, हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।